तो दोस्तों चलते हैं भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के 2022 की अद्भुत दुनिया में, जहां पर शुरुआत होने जा रही है ऑल इंडिया ओपन प्रीमियर लीग की। धन्यवाद सिद्दीक भावी सर। आज छत्रपति शिवाजी महाराजांची जयंती आहे। शिवा लढला म्हणून शिव आपण पूर्ण महाराष्ट्र जगतोय ताट मनने। मराठी अस्मितेचा मानबिंदू प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीशर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराज की जय। TWT डोमिनेटर गोहागर अजय कैसा लग रहा है? दिस इज द डिफरेंट क्रिकेट एज पर एज कंसर्न आवर BC4 सिटी क्रिकेट एंड आवर रूरल क्रिकेट एंड 40+ क्रिकेट एंड सिटी इमर्जिंग क्रिकेट। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट में थोड़ा फर्क रहता है। हालांकि क्रिकेट तो क्रिकेट है सिद्दीक जी, लेकिन ऑल इंडिया क्रिकेट के जो खिलाड़ी है उनको देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। और पहली बार लीग फॉर्मेट में बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट होने जा रहा है। इससे पहले भी हालांकि बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट हमने देखा है, लेकिन नॉकआउट फॉर्मेट्स में वो मुकाबले देखे हैं। इस वक्त दो प्लेस पवेलियन है। इरफान भूरे प्लेस पवेलियन में इस वक्त TWT डोमिनेटर गोहागर बैठी हुई है, और बाजू का जो प्लेस पवेलियन है फरहान पटेल उसमें बादशाह 11 चीता कैम्प। और देखिए वहाँ पर राकेश प्रभु, केतन मात्रे, विश्वनाथ जाधव जैसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अनिकेत राउत कप्तान है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही बेहतरीन ये पहला मुकाबला देखने को मिलेगा।
बादशाह इलेवन चीता कैंप की हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। अहमद खान, बिलाल शेख, बंटी, किरण पवार, आकाश, दिनू कामले, सीरियास कदम, राहुल जोगाड़िया, विक्की भुईर, विक्रांत चौहान, फरदीन और सुल्तान खान, फरदीन काजी ट्वेल्थ मैन है। बहुत शुक्रिया तारीफ सैयद साहब। बैक टू क्रिकेट नाउ, टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए इस वक्त TWT डोमिनेटर के ओपनर अजय रनों को किस तरह डोमिनेट करते, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ, कौन किसको डोमिनेट करेगा ये तो देखने वाली बात होगी ही। दोनों भी बहुत ही जबरदस्त टीमें हैं। करण मोरे और उनके साथ केतन मात्रे पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर पहुंच चुके हैं। क्या बात है, करण मोरे और केतन मात्रे। केतन मात्रे ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था अल्ताफ बाली के भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। वक्रन के कोहिनूर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो कहते हैं कि जंग का बगल बच चुका है और पहला मुकाबला आपके सामने इस वक्त होने जा रहा है। दोनों ओपनर बीच मैदान पर। करण मोरे स्ट्राइक लेने जा रहे हैं जबकि नॉन स्ट्राइक पर हैं मैन फ्रॉम वॉकलन केतन मात्रे। विक्रांत चौहान को मोर्चे पे लगाया गया है पहले ओवर के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से लेकर तो कल देर रात तक यही घमसान चलता रहेगा। तारे जमीन पे नहीं, टेनिस क्रिकेट के सितारे बाली ट्रॉफी में। सभी का हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती भी फील्ड की जमावट देखिए। शॉर्ट थर्मेन है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, मिड ऑफ है, मिड ऑन थोड़ा वाइडिश है, स्क्वायर लेग थोड़ा बैकवर्ड है और शॉर्ट फाइन लेग थोड़ा स्ट्रेटिश है। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, एक मिड विकेट है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। छह ओवर्स प्रति पारी का यह मुकाबला। TWJ डोमिनेटर गोहागर टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी गई है। इलेवन चिता कैंप टीम द्वारा TWJ डोमिनेटर की भी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, हालांकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के करीब से जाती भी विकेट कीपर के पास। क्या शुरुआत हुई है इस बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन प्रीमियर लीग की। बहुत बेहतरीन गेंद, गुडलेन से थोड़ा अतिरिक्त उछाल लेकर चली गई थी गेंद, हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी और वो तो स्वाभाविक है क्योंकि बायत के गेंदबाज है विक्रांत चौहान, उनके सामने दाहिने के बल्लेबाज इस समय करण मोरे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस कंपटीशन की। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से स्वीप करना चाहते थे, खराब शॉट, फिर से बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। लाजवाब गेंदबाजी, इस बार काफी बाहर की तरफ स्पिन हुई थी गेंद, उंगलियां फेरी गई थी और देखिए जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर देखना पहले ही शुरू कर दिया था, उस वजह से गेंद पर सही तरह से निगाहें नहीं थी करण की। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, करण को लॉब कर दिया गेंद को, गेंद मैदान के बाहर, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम, 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार कमजोर गेंद थी ओवर पिच और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए करण मोरे। ये पहले रन्स गोहागर टीम के लिए। अंदर की तरफ आई थी स्पिन होकर, रॉन्ग ऑन थी लेकिन बहुत जल्दी पिक भी कर लिया था और लेंथ में कहीं ना कहीं चूक गए थे गेंदबाज, उसका भरपूर फायदा उठाया वहां पर, विद द स्पिन खेला गया था ये स्ट्रोक। यस, थोड़ा आगे भी रख दिया था वहां पर, सिक्सर से खाता खुला है यहां पर, करण मोरे का सिक्सर से खाता खुला है TWJ डोमिनेटर का। 6 रन बिना किसी विकेट के, पहला मुकाबला
ऑल इंडिया ओपन लीग में आप देख रहे हैं। विक्रांत से कुछ बातें की उनके कप्तान ने, फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं है। इस मैच के दो ऑन फील्ड अंपायर्स शानू कुरेशी और फारूक बर्डी। विक्रांत, करण मोड़े को फिर आरे बल्ले से खेलने की कोशिश, फिर बीट किया। जब भी सटीक लेन पर उन्होंने गेंद को पिच कराया है, गेंद काफी शरारत करती हुई नजर आ रही है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, एक कमजोर गेंद रही है उस पर छक्का जड़ा है करण मोरे ने, लेकिन उसके अलावा तीन डॉट गेंदे, अच्छी नोकझोंक चल रही है शुरुआत से ही गेंद और बल्ले के बीच में। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, करण मोरे को हुक जरूर किया है, अधिक एलिवेशन नहीं मिला है, हालांकि स्लॉट में गेंद जरूर आई थी और दो रन पूरे। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, मेरा अपना मानना है कि हुक खेलते हुए उनकी नजरें हट गई थी। जी हाँ बिल्कुल, एक तरह से अपने आप को बचाने की तरह उन्होंने स्ट्रोक खेला था, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क जरूर हो पाया था। ये देखिए बहुत खतरनाक ढंग से ये गेंद ऊपर उठी थी, थोड़ी बैक ऑफ लेन थी, अच्छा पेस भी था इस गेंद पर, ये मेरे ख्याल से सबसे तेज गेंद थी इस ओवर की। 8 रन बिना किसी विकेट के, 8 विदाउट लॉस। विक्रांत चौहान मुड़ते हुए वीआईपी एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्वीप किया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद स्क्वायर लेग पर, 6 रन। क्या शॉट खेला है, झाड़ू शॉट, मानो खोद कर गेंद को निकाला है और गेंद सीधी स्क्वायर लेग पे, मानो इस शॉट को स्टीव स्मिथ खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के। इम्प्रोवाइजेशन लाजवाब, पहले ही मन बनाकर तैयार थे स्ट्रोक के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर निकले और स्पॉट अपना बहुत जल्दी उन्होंने पिक कर लिया था, अपना इलाका चुन लिया था, थोड़ा सा बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेला जहां पर कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं था। टाइमिंग अद्भुत थी, इस बार शक्ति का ज्यादा उपयोग नहीं किया था, टाइमिंग के बलबूते पर ये छक्का जड़ा है करण मोरे ने। एक ओवर की समाप्ति पे 14 रन बने TWJ डोमिनेटर के, मैं समझता हूँ कि आज बढ़िया शुरुआत है। जिस तरह करण मोरे ने 2 सिक्सर भी जड़े हैं, ये हमारे तमाम मेहमानों को दिखाया जा रहा है, आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। एक बार नज़र डाल देते हैं TWJ डोमिनेटर गोहागर पालघर टीम पर, अनिकेत राउत कप्तान है, प्रीतम बारी, राकेश प्रभु, करण मोरे जो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, साथ में पंकज पाटिल, विश्वनाथ जाधव, अरब शेख, अक्षय पवार, केतन मात्रे ओपन करने आए हैं। अब स्ट्राइक उनके पास है, पहले ओवर में कोई भी गेंद खेलने का मौका उनको मिला नहीं। ये मेहमानों को दिखाया जा रहा है और अल्ताफ बाली साहब को आप देख सकते हो, द ग्रेट क्रिकेट लवर अल्ताफ बाली साहब, बाली ट्रॉफी 2022 के आयोजनकर्ता। अक्षय घरत भी टीम में, ट्वेल्थ मैन है विश्वनाथ दवनी। यस, विकी भुईर ब्रॉट इनटू द अटैक मैन फ्रॉम धारावे, टॉल मैन लुक लाइक वेरी टॉल मैन, खतरनाक गेंदबाज है विकी भुईर, और पिछले सीजन में भिवंडी में उनको खेलते हुए देखा गया था, मेयर कप में ग्रामीण से खेले थे। बोस्टू केतन मात्रे गोज इज बैक फुट एंड पुल्ड एज बॉल, फील्डर फाइन इन डीप एंड विद स्ट्रोक केतन मात्रे ऑफ द मार्क विद सिंगल एंड स्कोर इज 15 विदाउट लॉस। प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई है बाली ट्रॉफी 2022 में, ये उद्घाटनीय मैच है इस ऑल इंडिया कंपटीशन का। केतन मात्रे बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ग्रामीण क्रिकेट हो या फिर ओपन क्रिकेट हो, ओपन क्रिकेट में तो धूम मचा दी है इस सीजन में। विकी भुईर अप टू द विकेट नाउ, वंस मोर प्लेड इम्प्रोवाइज, व्हाट अ कैच, दिस इज आउटस्टैंडिंग टेकन बाय सुल्तान खान, एज ऑफ द शॉर्ट फाइन लेग एंड फाइनली करण मोरे ऑन हिज वे, फर्स्ट विकेट इज फॉलन नाउ 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही शानदार कैच, इम्प्रोवाइज तरीके से शफल करते हुए हुक किया था, लेकिन जितना एलिवेशन चाहिए था उतना एलिवेशन बना नहीं पाए स्ट्रोक के पीछे, और एक बहुत ही अच्छा कैच अपनी बाई तरफ जाते हुए वहां पर बहुत अच्छे पूर्वानुमान के साथ ये कैच लपका है सुल्तान खान ने। करण मोरे काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, 2 छक्के जड़े थे उन्होंने, हालांकि कुछ डॉट गेंदे भी खेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाइंग स्टार्ट वो देते हुए नजर आ रहे थे अपनी टीम को। 15 पर गिरा है पहला विकेट। आई थिंक अजय दिस इज द हाफ विकेट ऑफ सुल्तान खान आल्सो, नॉट इजी बिकॉज बॉल इज कमिंग वेरी रैपिड,
and Sultan Khan is the tall man, judging very well and finally taken a very rapid catch. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. और यहाँ पर देखिए कि थोड़ी भी चूक हो जाती ना फील्डर से तो ये बाउंड्री बन सकती थी, क्योंकि पीछे तो कोई प्रोटेक्शन है नहीं है. नए बैट्समैन विश्वनाथ जाधव, न्यू बैट्समैन जॉइनिंग विश्वनाथ जाधव, द फेमस नेम. एंड विश्वनाथ जाधव मेड अ हाफ सेंचुरी इन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑन दिस ग्राउंड. And what an inning he played against the fast and furious bowler Kiran Patil, chasing that victory. One of the great player men from Thaniu on one down position, but 15 for the loss of one wicket. Danger man Karan More back to the dugout for 14. Beauty, beauty, what a ball, just over the stumps, no footwork behind his stroke. बढ़िया इन कटर थी. विक्की के पास अच्छी रफ्तार भी है इस बार, ज़्यादा रफ्तार से तो गेंद डाली नहीं गई थी, लेकिन अच्छी कट होकर अंदर की तरफ आई थी. दूर से खेलने का प्रयास किया था वहाँ पर बैट्समैन विश्वनाथ ने. अभी अभी क्रीज पर आए हैं विक्की भोयर, अप टू द विकेट नाउ बोस टू विश्वनाथ, अनदर शार्प इन कटर, दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम द बिग बट. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, लंबे ऊंचे कद के है और देखिए उछाल भी उनको बहुत अच्छा मिलता है, थोड़ा तिरछा उछाल मिलता है और इसी वजह से इस गेंदबाज का सामना करना किसी भी बैटर के लिए उतना आसान काम नहीं है. शार्प इन कटर इंडीड, लवली बॉलिंग फ्रॉम विक्की भोयर, कंटेन बैट्समैन कीप एंड क्वाइट. दिस टाइम अ लवली लुकिंग बॉलर बैक ड्राइव, स्लाइटली स्लॉपी वर्क फ्रॉम अ बॉलर ऑन हिज फॉलो थ्रू. मीनवाइल बैट्समैन गेट्स वन, विश्वनाथ जाधव ऑफ द मार्क विद सिंगल एंड स्कोर इज 16 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. TWJ डोमिनेटर losing a toss batting first year. This time forcing that ball, superb stroke, this is the Ketan Mathre special, all the way to the long on, great shot, plenty of power behind the stroke, tremendous timing, going gone into the crowd as well. मुझे लगता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल केतन मात्रे ही कर सकते हैं. शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको सामने खेला है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, ताकतवर स्ट्रोक. ये ताकतवर खिलाड़ी है और ये पावर है केतन मात्रे का, शानदार छक्का. आड़े बैट से सामने प्रहार किया था उन्होंने, उछाल लेती हुई गेंद थी. सिक्सर के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 22 रन एक विकेट के नुकसान पर. TWJ डोमिनेटर गोहागर पालघर. दो ओवर की समाप्ति, रन बने 22 और विकेट गिराए एक. अगली दो टीमों को हमारे डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. खेलने वाली टीमें पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम, धनेश एलेवन डिंगडोंग और उमेश एलेवन SSP वर्ली. ये स्टम विजन से दिखाया जा रहा है. बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. गेंदबाजी में विक्रांत चौहान को कंटिन्यू रखा गया है. पहले ओवर में हालांकि महंगे साबित हुए थे, 14 रन दे डाले थे. आपको क्या लगता है सिद्दीक जी, इस समय कौन सी टीम ज़्यादा खुश रहेगी? पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है. देखिए अगर पकड़ा जाए तो ओपन क्रिकेट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 22 रन बुरे भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है, यानी कि ठीक ठाक शुरुआत ये मानी जा सकती है दोनों भी टीमों के लिए. टॉस को जीता बादशाह इलेवन चिता कैंप के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया. पहले ओवर में 14 रन आए थे तो उसको देखते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी विक्की भोयर की रही. 8 रन मात्र खर्च किए उन्होंने और एक सफलता भी हासिल की. विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन विश्वनाथ जाधव. फील्ड को अब खोल दिया गया है. इस मरतबा अपर कट किया लेकिन बल्ले पे पूरी तरह गेंद नहीं आई. खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, गेंद चली गई लगभग स्क्वायरिश थर्ड मैन पर. एक रन कौन बनाती हुई गेंद थी और लगभग पीछा किया था उस गेंद का विश्वनाथ ने, काफी दूर से बल्ला चलाया था. विट जरूर था लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए. 23 रन स्टंप विजन से दिखाया जा रहा है. केतन मात्रे
अब तक दो गेंदों का सामना किया है, सात पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर नंबर तीन चलता हुआ विक्रांत चौहान, मैन फ्रॉम अंधेरी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे केतन मात्रे। देखिए केतन मात्रे आए हैं तो फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की और ऑन साइड के फील्ड को अजय काफी कस दिया गया है। जी हाँ, ऑफ साइड में इस गेंद से पहले डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया था, उसको सर्कल के अंदर लाया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन फील्ड प्लेसमेंट में। ओह बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, बल्ले के फेस को खोलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। विकेट से भी थोड़ी सी सहायता मिल रही है गेंदबाजों को, जिस तरह से गेंद में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, गेंदें घूम भी रही है। विक्रांत चौहान छोटे रन अप से इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया गेंद को अपर कट के अंदाज में और गेंद इस वक्त पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई, चार रन, शॉर्ट वाइट एंड पनिश्ड। बेहद खूबसूरत स्ट्रोक था ये, इस बार ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था, वैसे ताकतवर खिलाड़ी है केतन मात्रे, लेकिन नजाकत का ज्यादा इस्तेमाल किया था, केवल दिशा दिखाने का काम किया, तेज गेंद थी ये और देखिए जगह मिली थी और गेंदबाज की जो रफ्तार है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए ये चौका हासिल किया है केतन मात्रे ने, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए केतन। मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट चारों व्यू से दिखाया जा रहा है, व्हाट अ टेलीकास्ट फ्रॉम प्रिंस मूवीज चैनल 9 की तरह। चार रन से विश्वनाथ जाधव पहुंचे हैं, केतन पहुंचे हैं 11 पर। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे, बड़ा झटका लगता हुआ केतन मात्रे 11 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं और TWJ डोमिनेटर का गिरने वाला ये दूसरा विकेट। थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हो रहे हैं विक्रांत चौहान, लेकिन विकेट हासिल कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण बात है। क्या कमाल की गेंद थी ये, हुक किया था लेकिन बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी, नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे केतन मात्रे, थोड़ा सा टॉपेज था और बहुत अच्छा कैच वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। शाहिद खान हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है, वेलकम। देखिए अगर आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर और शॉर्ट पिच का एक स्टॉक होना चाहिए। आपने देखा कि गेंद बहुत तेज सीने के करीब आई थी, यही कारण था कि पूरी तरह घूम नहीं पाए थे बैट्समैन। और अच्छी खासी विविधता भी दिखा रहे गेंदबाज, तेज भी कर रहे हैं, बीच बीच में हमने देखा उन्होंने उंगलियां भी फेरी है, गेंदों को टर्न भी कराया है, मूवमेंट भी उनको मिल रहा है, गेंद स्विंग भी हो रही है उनकी, तो उतना आसान नहीं है उनके विरुद्ध बैटिंग करना। नए बैट्समैन राकेश प्रभु BPL सीजन 2 में छा गए थे यहाँ पर ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। यस, हालांकि भिवंडी प्रीमियर लीग में उनकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन वो चार विकेट सेमीफाइनल में उन्होंने जो लिए थे वहीं से जॉली कामतकर को मैच जिताया था। बिग बट ऑफ टेनिस क्रिकेट राकेश प्रभु नए बल्लेबाज। देखिए उनको ऊपर इसलिए भी भेजा है कि मेरा अपना मानना है अजय कि दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है उसको कप्तान यूज करना चाह रहे। हाँ बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर में राकेश प्रभु एक ऐसे बल्लेबाज है जो पारी को स्थिरता दे सकते हैं, एक छोर संभाल कर खड़े रह सकते हैं, उनके पास तकनीक बहुत अच्छी है, लेदर क्रिकेट भी काफी खेलते हैं। विक्रांत का ये ओवर अभी तक काफ़ी अच्छा घटा है, एक बाउंड्री ज़रूर केतन ने जड़ी थी लेकिन तुरंत उनको करारा जवाब भी दिया गया है विक्रांत द्वारा, उन्होंने उनका विकेट हासिल कर लिया है। दोनों भी जो विकेट्स गिरे हैं, एक विकेट विक्रांत को मिला है, एक विकी को। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए राकेश प्रभु के लिए। ओ क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, पूरी तरह से बैट्समैन को खोला, आना चलती भी थ्रो पहुंचा है और अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। काफी देर तक आना चलती थी लेकिन क्या गेंद थी, पूरी तरह से राकेश प्रभु को खोल के रख दिया था, तीसरे अंपायर की तरफ चले गए ऑन फील्ड अंपायर, थ्रो बड़ा ही परफेक्ट रहा था और देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या डिसीजन आता है। गेंदबाज ने भी वहाँ पर अच्छा कार्य किया है ये देखने को मिल रहा है, जैसे ही गेंद उनके हाथ में आ गई उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए और विश्वनाथ का कलेजा कहीं ना कहीं हलक में आ गया होगा। टीवी अंपायर
शकील कोटी अल्ट्रा स्लो मोशन में देख रहे हैं, दिस इज द वंडरफुल टेलीकास्ट, वंडरफुल टेलीकास्ट। और बैट्समैन आउट, विश्वनाथ जाधव स्वयं ही निकल गए थे, उन्हें पता था कि उनका काम तमाम हो गया है। इस ओवर में अभी कितनी गेंदें बची है, एक गेंद बची है। देखिए जहां पर पहले ओवर में लग रहा था कि बहुत मजबूत स्थिति है, दूसरे ओवर में रोक लगा दी विकी बोइर ने, लेकिन विक्रांत इस ओवर में काफ़ी सफल हुए हैं, भले से एक चौका जरूर लगा है उन पर। कुल स्कोर है 27 रन आउट होने से पहले नए बैट्समैन अक्षय पवार आए हैं। विश्वनाथ जाधव मात्र 2 रनों का योगदान दे पाए अपनी टीम को। किरण पवार के छोटे भाई अक्षय पवार क्रीज पर पहुंचे हैं। सावला, यस, मेरे ख्याल से किरण पवार, लेकिन क्या गेंद थी जिसपे कि बीट किया था यहां पर। फिर से अच्छी गेंद, कमाल की बॉलिंग हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा बैट्समैन के क्या किया जाए। 3 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 27, विकेट गिरी है, 3 ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पर, और कहां जाकर ये स्कोर रुकेगा 6 ओवर में। इससे पहले दोनों टीमों को मैं आवाज़ दूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है डबल ए भारत गैस। और ये देखिए एग्जीबिशन मैच 23 तारीख को 8 बजे देखना ना भूलिए, भिवंडी सिटी स्टार्स और भिवंडी ग्रामीण स्टार्स। भिवंडी सिटी स्टार में गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, फाइक अंसारी, श्याम चौधरी, करेश मात्रे, माजिद बोबड़े, मतीन खान, उजैर मोमिन, यासिर शेख, अख्तर शेख, साकिब खान, धनराज और सैफ शेख। जबकि भिवंडी ग्रामीण में जयेश पाटिल, भावेश पवार, विवेक शेलार, महेंद्र मागे, हेमंत अरट, कुमार गुंड, किरण पाटिल, पवन केने, सूरज केने, हिमांशु पाटिल, प्रतीक पाटिल, प्रीतेश पाटिल और केतन पाटिल। ये मुकाबला 23 तारीख को 8 बजे, इससे पहले 2 मरतबा भिवंडी सिटी ग्रामीण और भिवंडी सिटी और ग्रामीण टकराई है, दोनों मरतबा सिटी की जीत हुई है। 3 ओवर की समाप्ति, क्या लक्ष्य रहेगा सामने चित्ता कैम्प के, आइए सुनते हैं 2 बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और टेनिस क्रिकेट की मुंबई की बहुत ही मैच्योर आवाज चंदू सर जी। धन्यवाद सिद्दीक बाबी जी, आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022, आयोजक का पायनियर स्पोर्ट्स, और ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य है जहां पर हमारे तमाम मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रकांत शेटे, टूर्नामेंट सम्राट कमेंटेटर। 3 विकेटें गिरी है, करण मोरे 14 पर आउट हुए हैं, केतन मात्रे 11 पर, 2 पर विश्वनाथ जाधव, राकेश प्रभु 0 पर, अक्षय पवार अभी तक खाता नहीं खोला है। पहला विकेट 15 पर, दूसरा 27, तीसरा 27 पर नए ओवर करेंगे विकी बोइर। विकी बोइर अपने पहले ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था, जब उन्होंने आउट किया था करण मोरे को, सुल्तान खान के हाथों कैच आउट करवाया था फाइन लेग पर। तो हार्दिक स्वागत है आपका चंद्रकांत जी, पिछले साल भी बाली ट्रॉफी में आपके मधुर आवाज़ हमने सुनी थी और इस साल भी आपके साथ जुगलबंदी करने का मुझे अवसर मिला है और इसे अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। 9 रन प्रति ओवर के औसत से 27, 3 विकेटों के नुकसान पर राकेश प्रभु। भिवंडी प्रीमियर लीग में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनके द्वारा रहा था इस साल, जॉली स्पोर्ट्स कामत घर के लिए 42 रन भावेश पवार के साथ उन्होंने मिलकर बचाए थे। बोइर के नए ओवर की पहली गेंद जितनी तेज आई उतना ही तेज उसे पुल करने का प्रयास, और यहां पर कैच लिया गया और तीसरे अंपायर को रिफर किया है हमारे मुख्य अंपायर फारूक बर्डी ने। चंद्रकांत जी, की जातापर्यंत जर पाहिलं तर थोडं नियंत्रण मिळवलं गोलंदाजांनी फलंदाजांवर, याही वेळेला एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला होता आणि पंचांचा निर्णय येतोय खेळाडू बाद आहे आणि धावांची धावा तर कराव्याच लागतील सर, कारण बाली ट्रॉफीसारखं एक मोठं भव्य दिव्य आयोजन आहे। इकडे ज्या टीम आलेल्या आहेत ना सर, त्या सर्व ताकदवर बनून आलेल्या आहेत, प्रत्येक टीम बेस्ट टीम इकडे आलेली आहे आणि त्यामुळे प्रत्येकाला आपला बेस्ट खेळ दाखवावा लागेल, कारण ज्यावेळेला बेस्ट टुर्नामेंट असते बेस्ट करावंच लागतं।
विकी भोयर को मिलती हुई दूसरी सफलता। अक्षय पवार ने स्ट्रोक अच्छा खेला था लेकिन कैच उतना ही बेहतरीन वहां पर विक्रांत चव्हाण द्वारा लिया गया और चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ TWJ डोमिनेटर गुहागर टीम का। नए बल्लेबाज है प्रशांत घरत, युवा खिलाड़ी। अक्षय पवार शून्य पर आउट हुए। विकी भोयर की गेंदबाजी चंद्रकांत जी इस तरह नजर आ रही है, हिटिंग द डेक जिसको कहते हैं। विकी की गेंद से या तो आप अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करें या तो शॉट को कमिट करें, और वो पेस पे आती हुई बॉल को अभी अभी आए हुए अक्षय पवार के लिए हुक करना मेरे ख्याल से मुनासिब शॉट नहीं था। या हंगामात जर पाहिलं सर तर विकी ने खूप घातक गोलंदाजी केली आहे, म्हणजे मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये या वेळेला या हंगामात विकी बरसला अक्षरशः धारदार गोलंदाजी काय असे दाखवून दिले। मागील दोन हंगाम जर पाहिलं तर थोडेसे अनफिट होते, तेवढा पेस देऊ शकले नाही, परंतु या हंगामात वाखाणण्याजोगती कामगिरी त्यांची नक्कीच राहिली आहे। विकी की अगली गेंद इस बार तेज तर्रार तीखा तेवर नीची रहती हुई विकेटकीपर के हाथों में कैद हुई। किरण पवार विकेटकीपर के रूप में, क्या ऑफ कटर गेंद थी, कटकर अंदर की जानी भाई नीची रही, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27-4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक कोई रन नहीं दिया है। विकी भोयर ने कुल मिलाकर 8 गेंदे की है, 8 रन दिए हैं और 2 विकेट ली हैं ऐसा हम कह सकते हैं। भिवंडी स्थित परशुराम धुंडू टावरे स्टेडियम पर खेली जाने वाली बाली ट्रॉफी 2022 इस बार ऑन द राइज उठा दिया है और इसको कैच करने का प्रयास था, लेकिन देखना होगा अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा जब तक दौड़कर पूरे करते हुए रन। और तीसरे अंपायर ने अब मदद ली है यहां पर ये जानने के लिए कि वो बाउंड्री है या नहीं। मेरे ख्याल से अंपायर का कोई इशारा नहीं है, यानी कि एक बेहतरीन सिक्स को रोका गया है ऐसा हम कह सकते हैं। अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन अंपायर की तरफ से अभी भी डिसीजन आना बाकी है। महज 2 रन खाते में जोड़ दिए जाएंगे। क्या उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है बादशाह 11 चीता कैंप ने। विकी की अगली गेंद इस बार टप्पा खाते ही एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है, शानदार चौका। खूप चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय, धावांची गरज होती आणि धावा तर या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत आणि त्यासाठी प्रशांत घरत यांना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय। या हंगामात चांगल्या फॉर्मात आहेत, वसईला बिलॉंग करतात अर्नाळा गावाला आणि त्यांची बॅटिंग करण्याची एक वेगळीच अदाकारी आहे। आणि पहा या ठिकाणी पहिल्याही बॉलवर दाखवलं आणि याही बॉलवर दाखवलं, संकट मोचकाची भूमिका सध्याच्या घडीला गुहागर टीमसाठी ते निभावत आहेत आणि निभावीच लागेल। कुणीतरी पार्टनरशिप किंवा एक स्फोटकी खेळी होणं गरजेचं आहे, त्या आव्हान 50-60 पर्यंत जाणं गरजेचं देखील आहे सर। टॉप ऑर्डर जल्दी निकलने के बाद अब मिडल ऑर्डर में प्रतिकार। देखिए पहला विकेट 15 पर गिरा लेकिन 27 पर 3 विकेटें गिरी, गुच्छों में विकेटें लेने की जहां तक बात आती है बादशाह 11 चीता कैंप ने वाकई में यह मैसेज दिया है कि चीते की चाल बाज की नजर और बादशाह 11 के क्रिकेट पर शक नहीं करना चाहिए। इस बार बैठक शॉट लेने का प्रयास था, गेंद के पेस ने उन्हें बीट किया। या अगोदर जर पाहिलं तर कवरच्या दिशेने फटका खेळला होता, या वेळेला थोडेसे शफल झाले होते, अगोदरच पवित्रा बनवला होता की या बॉलला थोडस वेगळ्या शैलीमध्ये ऑन साइडला खेळायचं आहे, परंतु विकीच्या वेगाने थांबवलं। दोघांमधलं चांगलं युद्ध रंगले सर, प्रशांतकडे चांगली फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे परंतु विकीचा वेग देखील आहे।
बहुत अच्छे टेक ऑफ के साथ गति परिवर्तन था और विकी भोईर एक प्रभावशाली ओवर यहां पर समाप्त करते हुए। इस ओवर में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 6 रन आए, यानी कि विकी भोईर ने 2 ओवर किए, कुल मिलाकर 14 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की है। और 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर गति परिवर्तन। ये सारा लाइव टेलीकास्ट आप देखें किस तरह किरण पवार ने अपने कंधे के ठीक ऊपर कलेक्ट किया और देखिए उनकी उंगलियों को सहला रहे थे चंद्रकांत जी। एक और जहां रवि बुम्बक, विजय पावले, अखिलेश सिंह की हम बात कर रहे हैं, विकी भोईर का पेस प्रज्योत अंबिरे के पेस से कम नहीं है। नक्कीच अलीकडच्या कालावधीमध्ये विकीने आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित केलं आहे। विशेष म्हणजे सध्या लेदर बॉल क्रिकेट देखील चांगल्या स्तरावर ते खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि आजही या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली सर। निर्णायक होते विकी भोईरच्या 2 षटकं खूप निर्णायक होती, विशेष म्हणजे त्यांची पिचिंग अतिशय महत्त्वाची होती आणि बॉलला कट करण्यामध्ये यशस्वी झाले, काही चेंडू थोडीशी खाली देखील राहिले, परंतु या पहिल्या 4 षटकांमधील त्यांच्या 2 ओव्हर खूप महत्त्वाच्या होत्या। 33-4 तर नियंत्रण अजूनही आहे, परंतु येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये हे दोन्ही खेळाडू किती धावा बनवतात, राकेश प्रभू त्यासाठीच ओळखले जातात, स्लॉग ओव्हर्समध्ये खूप चांगली बॅटिंग करतात, दुसऱ्या बाजूला प्रशांत घरत चांगल्या फॉर्मात आहेत, तर येणाऱ्या 2 ओव्हर खूप निर्णायक असतील। इकडनं 20-25-30 तरी बनवायचा प्रयत्न करणार असतील, परंतु समोर जर पाहिलं तर बादशाह 11 त्यांना 50 आतमध्ये कुठेतरी नियंत्रित ठेवायचा प्रयत्न नक्कीच करतील। 4 ओवर 33 रन 4 विकेट 8.25 का औसत और ये हमारे तमाम मौजूद मेहमान मैच का मजा लेते हुए। सुल्तान खान नए ओवर की शुरुआत करते हुए, सुल्तान खान की चेंज ऑफ पेस गेंद और इसको पुल करने का प्रयास, एक हाथ से रोक दिया था। ओहो इस तरह देखिए क्या चीते की चपलता देखने को मिली थी वहां पर, श्रेयस कदम थे वहां पर, कदम के बढ़ते कदम ने उस गेंद को रोक लिया था। लॉन टेनिस के खेल में जिस तरह बोरिस बेकर या स्टीफन एडबर्ग को खेलता हुआ देखते हैं उस तरह गेंद को रोका गया था और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आते हुए यहां पर प्रशांत घरत जो खेल रहे 6 पर, राकेश प्रभु का निजी स्कोर है 1, 3 गेंदों का सामना किया है राकेश ने, जबकि 5 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे प्रशांत घरत। बाली पैलेस एंड से इस बार क्या बेहतरीन गेंद, सुल्तान खान तेज तर्रार गेंद कर रहे हैं। चंद्रकांत जी गेंदे फुल टॉस की अगर बल्लेबाजों को मदद कर रही है तो सही टप्पा गिरने पर गेंदबाजों को भी उतनी ही मदद कर रही है। नक्कीच ती मदद मिलते है, पहला मिलता है बॉल टप्पा पड़ने बरस वड़न ही घेता है। इस बार फिर से बल्लेबाज को देखिए पूरी तरह से गिरा दिया था। कुछ साल पहले एक टेस्ट क्रिकेट का वीडियो है जिसमें वकार यूनुस एक यॉर्कर पर ब्रायन लारा को गिरा देते हैं, काफी पॉपुलर हुआ था। यहां बल्लेबाज को यॉर्कर नहीं था लेकिन सुल्तान खान 34-4 इस बार खेला है 1 रन एक्स्ट्रा कवर पर। सुल्तान खान जिस टीम में भी रहते हैं कोहिनूर हीरे की तरह रहते हैं, उल्लासनगर के खिलाड़ी हैं। एक बात है चंद्रकांत जी, उल्लासनगर का दाल पकवान और उल्लासनगर का सुल्तान खान, इसका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। 35-4 इस बार राकेश प्रभु को चारों खान ने चित किया। राकेश प्रभु थोड़ा सा यहां पर नाराज नजर आ रहे चंद्रकांत। अप्रतिम चेंडू मी म्हणेल या ठिकाणी, जो डावखुऱ्या आताच्या फलंदाजासाठी टाकला गेला पाहिजे। टप्पा पडल्यानंतर बॉलने अक्षरशः राकेश प्रभू यांचा वळसा घातला यांना आणि थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन पोहोचला। उत्तर नव्हतं, राकेश प्रभू काय किती मोठा फलंदाज असता तर या चेंडूचं उत्तर मिळालं नसतं असं मी या ठिकाणी म्हणेल। एवढा चांगला चेंडू सुलतानने टाकला, परंतु राकेश प्रभू यांच्याकडे क्षमता आहे याही परिस्थितीमधून मार्ग काढण्याची। सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर गोलंदाज वर्चस्व अजूनही गाजवत आहेत। ओहो क्या गेंद को घुमाया है, इस तरह का लेग कटर देखते ही बनता है। किरण पवार ने बड़े आसानी के साथ हल्के हाथों से आती हुई गेंद का स्वागत किया, एक दूसरे को ताली मारी और कहा गुड जॉब। चंद्रकांत जी बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का पहला मैच और पहले मैच में 5 ओवर में 35, ये स्कोर मैं अपेक्षित नहीं कर रहा हूँ। नक्कीच 5 ओवरला केवळ 35 धावा नक्कीच नियंत्रित धावसंख्या आहे, परंतु माझ्या मते दोन्ही बाजूला गोलंदाजांना सहायता या ठिकाणी मिळताना पाहायला मिळते।
चांगली कामगिरी फुलटॉसचा बॉल आहे. आपण या हंगामात पाहिलं खूप मोठ्या स्पर्धांमध्ये की फुलटॉसचा बॉल ज्या वेळेला असतो लांब लांबवर चेंडू जातात, परंतु इकडे खेळपट्टी थोडीशी गोलंदाजांनाही सहायता देताना पाहायला मिळते. परंतु अजूनही एक ओव्हर आहे, अपेक्षा असणार आहे या एक ओव्हरमध्ये धावा करायच्या. परंतु पाच ओव्हर काय गोलंदाजी केली आहे बादशाह इलेव्हनने. तो मंच पर आपने देखा हरेश केने, रजी कुवारी, शादाब कोटकर, हमारे अंपायर रमीज रईस को आप देख रहे हैं. फुल टॉस की गेंदें इस टूर्नामेंट में खेली जा रही है और अंपायर्स के भी जो टी शर्ट्स हैं उसके ऊपर फुल टॉस का आप ब्रांड देख सकते हैं. 24 कैरेट प्रीमियम क्वालिटी टेनिस बॉल. आखिरी ओवर अब दूर वाले छोर से और इसको लेकर आ रहे हैं बिलाल शेख. पीपलगांव टप्पा का बेस्ट बॉलर, 10 विकेट लेकर उन्होंने इनाम हासिल किया था. 70-70 बिग बैश में बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन, प्रहार चषक में अच्छी गेंदबाजी. पहली गेंद इनसाइड आउट, ड्राइव कर दिया है, हालांकि एक रन मिलेगा, दूसरा लेने का साहस नहीं कर पाया. अच्छा थ्रो था विक्रांत का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, 4 विकेटों के नुकसान पर. अनुशासन भरी गेंदबाजी, गेंदबाजी की विविधता देखने को मिली है. हालांकि चंद्रकांत जी दूसरी पारी में भी इसी तरह का अटैक आपको देखने मिलेगा. जो गेंदबाजी की लय है, प्रज्योत अंबीरे, राकेश प्रभु, अनिकेत राउत, एक परफेक्ट बॉलिंग अटैक, विश्वनाथ जाधव. लेकिन इस वक्त पहली पारी में स्कोर नियंत्रण में रखा है बादशाह ने. बादशाह चीता कैंप मानखुर्द. पहली गेंद ओवर पिच थी, ड्राइव कर दिया, हालांकि अभी उसे उठाया गया, थोड़ा स्टाइल से रोकने गए और वहां पर एक एक्स्ट्रा रन देना पड़ा. यह बहुत जरूरी है गेंद को रोका जाए. अब घुटने के बल झुककर रोके, हाथ से रोके, रनों का रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर. 11 रन की भागीदारी. मैच थांबवायची आहे पंचानी. पंचानी जरा मॅच थांबवायची आहे. अल्ताबाई स्वतः येत आहेत, प्लीज. पिलल की गेंद और यह राकेश प्रभु का ट्रेडमार्क शॉट है, पुल, और इतना पावरफुल कि गेंद हो गई सड़क पे कड़क. क्या स्ट्रोक खेला चंद्रकांत जी. पोलार्डची पावर, पोलार्डला पावर दाखवणं गरजेचंच होतं, कारण हीच ती वेळ ज्या वेळेला मोठमोठे फटके येणार आहेत आणि येणं गरजेचं देखील आहे. संघ थोडासा संकटात आहे, या अगोदर गोलंदाजांचं वर्चस्व राहिलं, परंतु राकेश सांगतायत मी देखील इकडे बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी आलो आहे, एक नामवंत स्पर्धा आहे, फटकेबाजी तर करावीच लागेल. 44 पोचली धावसंख्या. बहुत खतरनाक. इवन सुप्रीमो चषक जो साल जीता था वेदांत वाड़ा के लिए खेलते हुए, सेम यही विनिंग शॉट था राकेश प्रभु का, वही अंदाज. डोमिनेटर टीम के अंदर नाम है और डोमिनेट करता हुआ प्रभु. इस बार तेज गेंद नीचे रही सबमरीन बॉल, 44 for 4. राकेश प्रभु
बिलाल देखील ओळखले जातात वेगासाठी, अलीकडे वेगवान गोलंदाजांच्या यादीत माझं नाव देखील का आहे दाखवण्याचा प्रयत्न बिलालने या ठिकाणी केला. एका चेंडूवर आक्रमण झालं परंतु तदनंतर पहा किती त्वेषाने गोलंदाजी केली आहे. याला क्रिकेट म्हणतात, व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये हेच पाहायला मिळतं, चढ उतार आणि कधी गोलंदाज तर कधी फलंदाज. एक और अच्छी काटा गेंद को बिल्कुल राकेश प्रभु के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता हुआ बिलाल शेख. बिलाल शेख जिसकी गेंदबाजी इस वक्त पूरा हिंदुस्तान रहा है देख, वो है बिलाल शेख. गेंदबाजी का एक ऐसा शेख जिसने पिछले 3 साल में अपने गेंदबाजी के ऊपर मेहनत की, सीनियर क्रिकेटर्स के मशवरे को अमल किया और आज बिलाल शेख एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है. जो लोग आज भी कहते हैं मुंबई में बॉलर नहीं बचे, उसका जवाब है बिलाल शेख. इस बार फुल और वाइड और अंपायर फारूक बर्डी का माइकल जैक्सन स्टेप वाइड बॉल. तो अगली टॉस के लिए यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारी अन्य दो टीमों को, धनेश डिंगडोंग और एसएसपी उमेश वरली. 44 for 4 लास्ट टू बॉल्स. 45. इस बार ड्राइव किया बिल्कुल आफली पर लेकर तेज तर्रार और वहां पर एक हाथ से रोकने का प्रयास, लेकिन गेंद तो मेरे ख्याल से अंपायर फारूक बर्डी बता रहे हैं कि ये 4 रन है. चार रन और नो बॉल भी दिया गया है, यानी कि फ्री हिट आएगा. तो आखिरकार स्कोर अब पहुंचता हुआ 50 पर. 23 रनों की भागीदारी प्रशांत घरत और राकेश प्रभु के बीच में, और यह भागीदारी की ही हम बात कर रहे थे. फ्री हिट की बॉल है और बिलाल को थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा क्योंकि राकेश प्रभु अब इस बॉल पर खबर लेना चाहेंगे बिलाल शेख की. इट्स अ फ्री हिट बॉल. और ये देखे फ्लैट, ओहो हॉट शॉट, फ्लैट 6. यस इट इज राकेश द पोलार्ड प्रभु. और यहां पर इस तरह खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवरों का, 6 ओवरों की समाप्ति पर बहुत अच्छी वापसी की है. 56 रन बने हैं और पहले 3 ओवर में 27, आखिरी 3 ओवर में अगर देखें तो 29. और दूसरी पारी में जब खेल की शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे मेरे दो काबिल दोस्त भिवंडी की, वो दो ऐसी आवाजें जिसके बगैर क्रिकेट अधूरा है, हम सबके लाडले सिद्दीक भाभी जी और हमारे मेथोडिकल सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत. धन्यवाद. पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. इसको आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं अल्ताफ बाली और आयोजक है पाइनियर स्पोर्ट्स. हम इस वक्त खड़े हैं ए भारत गैस टॉस बॉक्स में और हमारे टॉस बॉक्स के जो स्पॉन्सर है डैशिंग और युवा उद्योजक असफर बोलिंसकर साहब और भिवंडी शहर के माजी महापौर जनाब जावेद दलवी साहब, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा हमारे मैच रेफरी अजीम अम्दुल्ले और अगले मैच के दोनों कैप्टन्स
एसएसपी उमेश 11 वरली और धनेश डिंगडोंग। धनेश डिंगडोंग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में आ रहे विजय पावले और उमेश एसएसपी वरली के लिए भी कैप्टन अब यहां पर पहुंच जाएंगे। आइए विजय पावले आपका हार्दिक स्वागत है। धनेश इलेवन पांडुरंग धर्मा पाटिल फेम टीम है और ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में पुणे की मशहूर प्रतीक इलेवन यानी कि डिंगडोंग इलेवन उनका प्रतिनिधित्व करेगी इस प्रतियोगिता में। विजय पावले और उमेश एसएसपी वरली तो एक तरफ इनिंग्स ब्रेक और एक तरफ टॉस का मजा। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का दूसरा मैच और इसके टॉस के लिए हमारे साथ हाजिर होने जा रहे हैं हमारे गेस्ट। दिनकर सावंत जी, योगेश जी, ये आपले गेस्ट आहेत। या सर, आपला हार्दिक स्वागत आहे। आणि सन्मान्य किशोर जाधव जी, आपला सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे। ओवर टू रेशमा। अ व्हेरी वॉर्म वेलकम। दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्या सोबत आहेत, आपले मान्यवर सोबत आहेत। आय वुड लाईक टू शो द टॉस फर्स्ट। दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्सनी प्लीज बघून घ्या। आणि मान्यवर कॉइनच्या एका साईडला आहे ए बी यानी की बाली ट्रॉफीची आन बान शान जान अल्ताफ बाली आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022। सर डू दी ऑनर बिफोर बाली कॉल। यस, कॉल कोणाचा असेल, कोणत्या टीमचा? उमेश लेवन यांचा कॉल आहे। कॉल कॉल काय असेल? हा, बाली ट्रॉफी 2022 इज अ कॉल। लेट सी सर, प्लीज डू दी ऑनर। लेट सी व्हाट इट इज एंड इट्स ए बी। ए बी तर नाणेफेक जिंकली आहे ती धनेश इलेवन डिंगडोंगनी। नाणेफेक जिंकल्याबद्दल फहद दलवी, मनसब मुल्ला, रॉलेक्स मेडिकेअरची ही किट बॅग विजय पावले यांना गिफ्ट देण्यात येते आणि रियल स्टील आणि रियल स्पोर्ट्सचे वसीम अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप तुम्हाला गिफ्ट म्हणून आम्ही देत आहोत। खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचा। आता आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज। दिनकरजी, योगेशजी आणि त्यांचे सर्व मित्र बाली ट्रॉफीचा मजा घेत आहेत। विजय पावले पूर्ण जगभरात सामना जिंकल्यावर पारितोषिक भेटतात, परंतु ही एकमेव अशी स्पर्धा आहे जिथे टॉस जिंकल्यावर सुद्धा तुम्हाला काही ना काही बक्षीस मिळते। हे घेऊन आणि बाली ट्रॉफीमध्ये येऊन कसं वाटतंय? ॲक्च्युली मी पहिल्यांदा आपले बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गनायझर श्री अल्ताफ बाली सर यांचं मी आणि क्रिकेट रसिक यांच्याकडून सगळ्यांच्याकडून मी मनापासून आभार मानेन की दरवर्षी एक वेगळा उपक्रम घेऊन येतात आणि अतिशय दर्जेदार टूर्नामेंट भरवतात। तर आम्ही त्यांना हॅट्सऑफ देईन की प्रत्येक वेळी टूर्नामेंटमध्ये नवीन नवीन म्हणजे आता तुम्ही बोलताय की जे प्राईज असतात किंवा काही टॉसच्या अगोदर असतील किंवा टॉसनंतर, तर प्रत्येक वेळी आम्हाला वाटतं की आम्ही गाडी घेऊन सेपरेट यायला पाहिजे एवढे प्राईज असतात त्यांचे। तर खरंच खूप सुंदर नियोजन असतं, नियोजन, आयोजन, अंपायरिंग ग्राउंड, म्हणजे कुठं त्यातलं क्युरी काढण्यासारखं काहीच नसतं। शेवटचा प्रश्न, नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतलाय? नाणेफेक जिंकून आम्ही पहिल्यांदा क्षेत्र रक्षण करेन। धन्यवाद। माझ्या सोबत आहेत उमेश लेवन वरली एसएसपीचे कॅप्टन।
अ वेरी वॉर्म वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल बाली ट्रॉफी मध्ये स्वागत आहे तुमचं. तुम्ही किती एन्जॉय करताय बाली ट्रॉफी? खूप एन्जॉय करता. आवाज थोडासा मोठा पाहिजे कारण की आपण ओपन लीग खेळणार आहोत. मला सांगा की बाली ट्रॉफी खेळताना किंवा जेव्हा कळतं किंवा ओपन लीग मध्ये मॅचेस तुमची टीम येणार आहे तेव्हा किती एक्साइटमेंट असते? कारण की ऑफकोर्स इट्स अ अगेन अ बिग टुर्नामेंट आणि त्या टुर्नामेंटमध्ये तुम्हाला सुद्धा पार्टिसिपेट करण्याचा एक चान्स भेटतो. मॅडम, उमेश इलेव्हन खूप मोठा टीम आहे ॲक्च्युली आणि ते खेळलं आहे खूप वेळेला, तर आमच्यासाठी मोठा नाही पण खूप चांगला टुर्नामेंट आहे. मी आवडतं ते यायला खेळायला. ऑफकोर्स थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो लेडीज अँड जेंटलमेन, न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. धनेश डिंग डॉंग वॉन द टॉस अँड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बघणार आहोत किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार. थोड्याच वेळा, टिल देन ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच रेशमा मयेकर अँड हरीश पंड्या. बहुत ही शानदार स्ट्रोक बंटी बद्रिके के बल्ले से और पिच गेंद का फायदा उठाया उन्होंने और सिक्सर जड़ा है. 57 रनों का टारगेट इस पहले मुकाबले में बादशाह इलेवन चिता कैंप के सामने रखा गया है. क्या एग्जीक्यूट किया था शॉट को, बिल्कुल जूजी ऑफ वाली थी आंखों के नीचे जब शॉट खेला. तो अजय देखिए, बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद लॉन्ग ऑन के पीछे. ट्रेमेंडस पावर एंड फंटास्टिक टाइमिंग. फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के. पहली गेंद पर किरण पवार ने सिंगल लिया था प्रीतम गेंदबाजी करते हुए. बढ़िया गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट होती हुई. और प्रीतम बारी जो है वो काफी क्रिकेट खेले हैं इस सीजन में इस ग्राउंड पर, बीपीएल सीजन 2 में खासतौर पर. यस, प्रीतम बारी को वैसे भी इस इलाके का अच्छा खासा अनुभव है. मैन फ्रॉम डांडी. जागृत मराठा रानाल टीम के आइकॉन प्लेयर रहे थे. एक और खूबसूरत गेंद, फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास था. एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला गया है लेकिन उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया लेग कटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज. नॉन स्ट्राइक पे किरण पवार, ये नहीं भूलना चाहिए कि किरण पवार ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. और इस बार कदम लड़खड़ा गए, स्लिप हो गए वहां पर. उम्मीद करते हैं कि प्रीतम बारी पूरी तरह से फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. अजय क्या लग रहा है 57 का जो लक्ष्य है 6 ओवर में, ये उतना मुश्किल तो लग नहीं रहा है? लेकिन उसको मुश्किल बनाया जा सकता है. बढ़िया सिंगल, अच्छा तालमेल वहाँ पर, हल्के हाथों से खेला था बंटी ने. दो डॉट गेंदें खेली उसके बाद ये समझदारी का क्रिकेट मैं समझता हूँ. जहाँ 9.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है बादशाह इलेवन चिता कैंप के सामने. 6 ओवर्स में 57 रनों का टारगेट है और इसको यदि मुश्किल बनाना है TWJ डोमिनेटर्स को तो कहीं ना कहीं उनके गेंदबाजों को डोमिनेट करना होगा. बल्लेबाजों को सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी लगातार करनी होगी और शुरुआत में विकेट निकालना बहुत जरूरी. एग्जैक्टली, देखिए विकेट निकाल के ही आप दबाव बढ़ा सकते हैं वरना प्रोफेशनल टीमों के पास गहराई तक बल्लेबाजी रहती. बहुत ही बेहतरीन शॉट लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां पर. शायद हाफ वॉली में उस गेंद को कलेक्ट किया है. सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति. पहली गेंद पर सिंगल उसके बाद एक छक्का लगा था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की प्रीतम बारी ने और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के. एक ओवर की समाप्ति 9 रन, 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही है बादशाह इलेवन चीता कैंप. आप देख रहे हैं दोस्तों आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में ऑल इंडिया ओपन लीग में ऑल इंडिया के तमाम सितारों को सभी का हार्दिक स्वागत. भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. अगला मुकाबला धनेश इलेवन डिंगडोंग पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. अपोजिशन में उमेश इलेवन SSP वर्ली. पहले ओवर की समाप्ति पर रिक्वायर्ड रेट के करीब जरूर पहुंचे हैं बल्लेबाज, हालांकि रिक्वायर्ड रेट को छुआ नहीं है उन्होंने. बचे हुए 5 ओवर्स में 48 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए बादशाह इलेवन चिता कैंप को. आज ग्रुप ए के मैचेस खेले जाने वाले हैं बाली ट्रॉफी 2022 में ऑल इंडिया ओपन के और कल ग्रुप बी के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे. नैवर लेकर गेंदबाज अरब शेख तैयार होते हुए हाजी समझ से टेंट से. यस,
भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन टू में चैलेंज के लिए खेले थे आराफ शेख, आराफ शेख को मोर्चे पे लगाया गया है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट देखने को मिला था विश्वनाथ जाधव द्वारा। कैच की कोशिश की थी उन्होंने लेकिन थोड़ी सी गेंद आगे गिरी थी और बाल बाल बच गए थे किरण पवार। दो पर बैटिंग करते हुए किरण, सात पर खेल रहे बंटी बद्री के। यस अजय, रिमेंबर किरण पवार आल्सो मेड हाफ सेंचुरी इन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन टू। जी हाँ, लेकिन इतिहास में आपने क्या किया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान स्थिति बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल गेंद के ऊपर जाते हुए ड्राइव किया है तेज, सिंगल स्लाइटली रिस्की वन, पिक्स ऑन द ऑफ वॉली एंड फर्मली पुश स्ट्रेट टू फील्डर बट विद द स्ट्रोक बैट्समैन थ्रू फॉर वन। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर शुरू हो चुका है, स्कोर अब दोहरे अंकों में 10 रन बिना किसी नुकसान के। टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन संघर्ष काफी बड़ा है, टूर्नामेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा मैच यहाँ से देखने को मिलेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात किया गया है, हम देख रहे हैं कि एक डीप मिड विकेट भी रखा गया है। इस बार गेंद हवा में है, मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, केतन मात्रे ने कोई गलती नहीं की और ये रहा पहला विकेट। आइए देखते हैं, देखिए मिड ऑन सर्कल में था, उसको भेदना चाहते थे, पैरों में गेंद थी, ताकत नहीं मिली, सीधा मिड ऑन पे जाती भी और ये पहला विकेट गिरता हुआ। अजय आपने सही कहा, क्योंकि राकेश प्रभु भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। ये देखिए हालांकि खोद के निकाला था लेकिन सीधा ट्रैवल करती हुई पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर बादशाह इलेवन चीता कैम्प को। बॉलिंग में तो धार है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना बहुत जरूरी। अच्छी शुरुआत की है इस ओवर की आरफ शेख ने, 10 पर पहला विकेट गिरा है, यहाँ से और 47 रनों की आवश्यकता है। देखिए अंडर फ्लड लाइट्स ये मैचेस खेले जा रहे हैं और दिन की रोशनी में खेलना, अंडर फ्लड लाइट्स खेलना काफ़ी फर्क रहता है और इस तरह के टोटल पर भी काफ़ी रोमांचक मैचेस कई बार हम देख चुके हैं, खासतौर पर इस ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। दूसरी बात ये अजय के ये ओपन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, इनको हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये घोड़ों की नहीं शेरों की लड़ाई है, शेर दिल टीमें खेल रही है और लगाम तो घोड़ों को लगाई जाती है। माना कि जिस तरह बल्लेबाजी मजबूत होंगी बादशाह इलेवन चीता कैम के पास, तो गेंदबाजी का एक यूनिट यहाँ पर है। जी हाँ, डोमिनेटर्स के पास भी अच्छी गेंदबाजी है, कप्तान अनिकेत राउत खुद बेहतरीन गेंदबाज है, राकेश प्रभु कमाल के ऑलराउंडर है। नए बल्लेबाज आकाश चिंदारिया, गैप में निकाल दिया है, इसको रोकना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, आउटफील्ड अच्छी है और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्लास स्ट्रोक, दिस इज द क्लास स्ट्रोक प्लेड बाय आकाश चिंदारिया, लुक एट दैट, दैट वाज अ फुल टॉस डिलीवरी, लॉट ऑफ विथ गिवन बाय आराफ शेख एंड पुट अवे वेरी नाइसली, स्लाइस डैश बॉल बिटवीन टू फील्डर रेसिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री, अ फंटास्टिक शॉट, 4 रन्स। बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए खेला था ताकि प्लेसमेंट सही हो और बिल्कुल दो खिलाड़ियों के दरमियान से निकालने में कामयाब रहे। चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए आकाश चिंदारिया, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार काफी जगह दे बैठे और एक और बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद स्वीपर कवर बाउंड्री के बाहर, देखना ये 4 या 6 और फिर से 4 रनों का इशारा। बैट डिलीवरी इंडीड, शॉट वाइड एंड पनिश्ड, आराफ शेख ड्रॉपिंग शॉट एंड यू कैन सी देयर गोज हिज बैक फुट एंड क्रैक्स इट ओवर द इनफील्ड, वन बाउंस क्रॉस द कवर बाउंड्री फॉर 4। आराफ शेख से ये उम्मीद नहीं होती है सिद्दीक जी कि इतनी कमजोर गेंदें वो करे, इससे पहले फुल टॉस गेंद की थी, ये लेग कटर जरूर थी लेकिन काफी समय मिला बैट्समैन को, काफी शॉर्ट गेंद थी और काफी जगह भी मिली थी, पूरा फायदा उठाते हुए आकाश आत्मविश्वास से लबालब नजर आ रहे हैं। आकाश जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, यस मैन फ्रॉम एंड टॉप हिल, आकाश इज ऑन टॉप एट द मोमेंट। बढ़िया गेंद, इस बार अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए खेला है, हल्के हाथों से
छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ढकेला मिडॉन की तरफ और सिंगल ले लिया है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। दिस इज द स्मार्ट क्रिकेट। पुश्ड एज बॉल टू मिडॉन एंड विद द स्ट्रोक थ्रू फॉर वन। स्कोर अब 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। इसके बाद धनेश 11 डिंग डोंग और उमेश 11 के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। सामने खेल दिया है, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। किरण पवार को आप ये गेंद नहीं कर सकते। जूसी फुल टॉस मानो सामने वाले के ब्रेड पे आप मक्खन लगा के दे रहे हैं। ये देखिए सिर काफी स्थिर, डाउन द ग्राउंड तीर की मानिंद खेला पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। कोई खिलाड़ी नहीं था लॉन्ग ऑन पर। लॉन्ग ऑफ पर मिडॉन मिड ऑफ सर्कल के अंदर थे, पावर प्ले चल रहा था, उसका भरपूर फायदा उठाया गया और अरब शेख का ये ओवर काफ़ी महंगा रहा। 14 रन उन्होंने खर्च किए। दौर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 23 एक विकेट के नुकसान पर। ये अगला मैच है धनेश 11 डिंग डोंग और उमेश 11 SSP वर्ली के बीच में। डिंग डोंग के कैप्टन विजय पावली ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। यस, सांगली एक्सप्रेस वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर इन ओपन क्रिकेट, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट। और देखना है दो ओवर में, अजय हम देखते हैं तो 23 बने, बचे हुए जो 4 ओवर हैं 34 चाहिए। नईम शेख साहब को दिखाया जा रहा है, नियाल शेख साहब समाजवादी वेस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, शाहिद खान अभी अभी हमसे जुड़े हैं, साथ ही साथ VIP डाइस पे कई मेहमान नजर आ रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। फारूक रईस साहब भी वहां पर मौजूद है, उनका भी हार्दिक स्वागत। प्रीतम बारी आक्रमण जारी रखते हुए VIP एंड से, मैदान का ये साउथ एंड है। बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर खेला है, गेंद जा रही है डीप कवर में, फील्डर वहां पर मौजूद, पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। यस, कंट्रोल पंच शॉट था, हालांकि काफी जगह दे बैठे थे वहां पर प्रीतम बारी। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, किफायती बॉलिंग की आवश्यकता है सही मायनों में, और विकेट्स काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, विकेट्स निकालने होंगे। इस बार पटकी हुई गेंद विकेट कीपर से भी रुकी नहीं है, सिंगल पूरा करते हुए बल्लेबाज, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। तो ये 2 रन तोहफे के रूप में और 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा किया जा रहा है शानू कुरेशी द्वारा। गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं प्रीतम बारी। स्कोर अब 26 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है बैकफुट पर जाकर, फील्डर है डीप में लेकिन उसके ऊपर से 6 रन। आकाश ने खींच के मारा ऑफ स्टंप के बाहर से चाबुक शॉट, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे, एग्जीक्यूट बहुत सुपर किया, हालांकि जंप लगाई थी, कामयाब नहीं हुए, 6 रन। अक्षय पवार ने प्रयास किया था लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद, इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद, कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद रही, इस बार बीट करने में कामयाब हुए बैट्समैन को। लेकिन देखिए एकाध डॉट बॉल से शायद कुछ दबाव बनेगा नहीं बल्लेबाजों पर, लगातार या तो डॉट बॉल्स अप करने होंगे या फिर विकेट्स चटकाने होंगे, वो भी गुच्छों में। स्कोर 32 हो चुका है, मात्र 25 रन और चाहिए। इस बार धीमी गति की गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाया, लाजवाब स्ट्रोक सीधे अल्ताफ बाली पैलेस में, 6 रन।
मानना है कि अपने टीम के लिए जो रोल उनको प्ले करने कहा गया था वो प्ले करके पूरी तरह वापस चले गए। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे लग रहा था कि वो घर से ही सेट होकर आए थे, जिस तरह से पूरे नियंत्रण के साथ काफ़ी अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत ही दिलकश अंदाज में स्ट्रोक्स उनके द्वारा खेले गए, अपनी टीम को काफ़ी अच्छी स्थिति में लेकर चले गए हैं। 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर यहाँ से 19 गेंदों में केवल 19 रन ही चाहिए। और इस तरह के मैचेस जीते जाते हैं 50 में से 100 में से एक, लेकिन आपको गुच्छों में विकेट लेना होगा, जैसा BPL सेमीफाइनल में हुआ था। नए बैटर आए हैं श्रेयस कदम, और कदम ने आते ही गेंद को हुक कर दिया है गैप में, कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर, 4 रन। मैच को आसान कर दिया है, और बचे हुए 3 ओवर में जबकि ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे चलता हुआ, 3 ओवर में किसकी होंगी हार और किसकी होंगी जय जयकार, आइए सुनते हैं। दो दो मशहूर कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया और मुंबई की बहुत मैच्योर आवाज़ और ओपन क्रिकेट की शान चंदू जी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। चंद्रकांत जी, मैच में अब करंट स्थिति को देखा जाए तो बहुत कम कुछ करने को बचा है, ड्रिंक इंटरवल चलता हुआ बरोबर है सर। 42 धावा तरी या ठिकाणी घेतल्या गेल्या आहेत। आपण पाहत आहोत बाली ट्रॉफी, टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मानाची स्पर्धा म्हणून देखील या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं। एक भव्य दिव्य आयोजन ग्रामीण क्रिकेटच्या बरोबरीने शहरी क्रिकेट आणि त्याचबरोबरीने जर पाहिलं तर व्यावसायिक क्रिकेट देखील पाहायला मिळतं, आणि जवळपास 225 संघांमधील होणारी ही क्रीडा स्पर्धा नेहमीच सर्वांचं आकर्षण असतं, आणि ज्याला एकदा मॅन ऑफ द मॅच मिळेल त्याला मात्र नक्की स्पेशल गाडीच करून घरी घेऊन जावं लागते, एवढी बक्षिसं ज्या स्पर्धेमध्ये भेटतात त्या स्पर्धेचं नाव बाली ट्रॉफी। आज बाली ट्रॉफी 2022 आपण पाहतोय। मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर दोन बलाढ्य संघ, एका बाजूला TWJ डॉमिनेटर संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय गुहागर रत्नागिरीचा, आणि त्यांच्या विरोधात बादशाह 11 चिता कॅम्प ट्रॉम्बे मुंबईचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। निर्धारित धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 3 षटकात धावा झाल्या आहेत, त्या 42, 2 विकेट माघारी परतल्यात, आणि मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर श्रेयस कदम आणि त्यांच्या जोडीला किरण पवार, ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। पाहूया मॅच दृष्टिक्षेपात येताना पाहायला मिळते अक्षय गर त्यांच्या हातामध्ये चेंडू सोपवण्यात येतोय, कारण ह्या सगळ्या स्पर्धा हरी सर अशा या मोठ्या स्पर्धा टेनिस क्रिकेटला ग्लॅमर देतात, या मोठमोठ्या स्पर्धांमधील परफॉर्मन्स नेहमीच लक्षात राहतात, आणि म्हणूनच की काय बाली ट्रॉफीवर नेहमी सर्वांच्या नजरा असतात, कारण एक भव्य दिव्य आयोजन टेनिस क्रिकेट जगतातील भिवंडी नगरीमध्ये बाली ट्रॉफीच्या स्वरूपात आपण देखील पाहत असतो। आज टेनिस क्रिकेटच्या नजरा भिवंडीवर असतील आणि बाली ट्रॉफीवर असतील, मॅच दृष्टिक्षेपात आली आहे, मॅच जवळपास जिंकला जमाय, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, काहीही होऊ शकतं कधीही, ज्या त्या खेळाचं नाव म्हणजे क्रिकेट। त्याचबरोबरने आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। यावेळेला आक्रमण करण्याचा प्रयत्न कवरच्या दिशेने, बॉल पाठवलाय, क्षेत्र निर्जन स्थळी चेंडू पडला, सीमारेषा दिशेने बॉल मार्गस्थ देखील होताना पाहायला मिळतोय, बघता बघता बॉल सीमारेषा पार। ओ महुदर किंग लेके आया रिंग, मन जनिया जिमेरी कोई बेहतरीन। चंद्रकांत देखिए, जो सबसे बड़ा फर्क रहा है पहले 3 ओवर का स्कोर, एक और जहां पहली पारी में जो स्कोर था 3 ओवर में 27 था, जबकि दूसरी पारी में वही 3 ओवर में स्कोर 42 था, यानी कि 15 का लीड ऑलरेडी लिया था जब चौथे ओवर की शुरुआत हुई, और आते ही वहां पर आप देखें खराब अनुमान और ये लगने वाले चौके ने अब यहाँ पर जो है
थोड़ी बहुत आशाएं थी उसको भी समाप्त किया है। किरण या वेला टप्पा पडल्यानंतर थोड़ा सा खाली राहणारा थेट यष्टीरक्षकाच्या दिशेने जाणारा चेंडू होता अक्षय यांचा, हा टप्पा पडला तदनंतर थोड़ा सा बाहेर देखील जातोय आणि थेट राकेश प्रभू गाठताना देखील पाहायला मिळतात। असंच काही करावे लागेल, निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील, विकेट घ्याव्या लागतील, त्या वेला कुठे मॅच मध्ये येऊ शकतात। या वेला समोरच्या दिशेने केलेला आक्रमण, शोधला गॅप, बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे, चार 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 चौकार। तड़का मार के, मतलब जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी थी वाइड था, प्लेसमेंट फाइन थी और चार। पुनः एकदा आक्रमण, पुनः एकदा बिगिट या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता। रक्षक त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतात, किरण चांगली कामगिरी जरूर झाली परंतु आता माघारी परततील खेळाडू बाद। और देखिए उनका कैच उनके भाई ने लिया, किरण पवार का कैच अक्षय पवार ने लिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि किरण पवार जब तक अपनी टीम को मैच विनिंग पोजीशन में ला पाए थे। बिग विकेट बट एट अ रॉन्ग टाइम। अक्षयला मिळाली विकेट, अक्षयने घेतली कॅच, किरण होत आहेत बाद बॅटिंगसाठी। मुंबईचा असा खेळाडू ज्याच्या नावाची चर्चा संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगतात आहे। यावेळेला अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, अक्षय काय चेंडू टाकलाय, अफलातून माघारी परतावं लागतंय फलंदाजाला, श्रेयस कदम बाद। मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 7 धावांची आवश्यकता आहे सर, परंतु बॅक टू बॅक 2 विकेट घेतल्या अक्षय गरत यांनी। नाही, गरत यांनी फलंदाजाला पाठवले परत। तो इस बीच अमित उजमा अंसारी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, हमारे सिटी क्रिकेट का जिन्होंने थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है, आपका हार्दिक स्वागत। अमित भाई मायरा स्पोर्ट्स के ओनर हैं। थोड़े समय में दोस्तों हमारे बीच डोहड़े गाँव की आन बान शान रूपेश जी जाधव, जिन्होंने हमारे ग्रामीण क्रिकेट का थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया, उनका आगमन होने जा रहा है। उनके साथ में शुद्धोदन जाधव, योगेश पाटिल और दिनेश पाटिल आएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा रंग भरने का प्रयास जरूर किया है, होली भले चली गई हो लेकिन क्रिकेट के रंग अभी भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। नक्कीच क्रिकेट से है रंग आपल्याला भिवंडी नगरी मध्ये पाहायला मिळतात है। भिवंडी म्हटलं तर खूप मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण क्रिकेट पाहायला मिळतं, शहरी क्रिकेट पाहायला मिळतं, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर आज म्हणजे कापड निर्माणासाठी संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध असणारं शहर आज क्रिकेटसाठी देखील प्रसिद्ध झालंय, नाव भिवंडी। बाली ट्रॉफी आपण पाहतोय। या वेळेला आणखीन एक चांगला चेंडू या ठिकाणी, अॅट्रिक बॉल जरूर होता परंतु पॉइंटच्या दिशेने ढकलला, एक धाव तिकडे घेतली जाईल, धावसंख्या एकने पुढे जाईल आणि धावसंख्या जर पाहिली तर एकने पुढे जाते आणि ती 51 वर पोचते। 12 चेंडूंचा खेळ सर अजूनही बाकी आहे आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 6 धावांची आवश्यकता आहे। बहुत आसान समीकरण। दोस्तों हमारे बीच अभी अभी आगमन हुआ है ताबीर जयरूमी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। ताबीर जयरूमी साहब, ओवरसीज एजुकेशन और ओवरसीज रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ताबीर जयरूमी ये नाम पर आप रिलाई कर सकते हैं। मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी के लिए फ्रूट बास्केट को स्पॉन्सर किया है ताबीर जयरूमी साहब ने। तो ये आपके मॉनिटर पर अगले मैच के दो कैप्टन विजय पावले, धनेश 11 डिंग डोंग और उमेश 11 SSP वरली, ये तैयार हो रहे हैं। और ये स्टेज के बारे में क्या कहेंगे चंद्रकांत जी, मतलब कई बड़े करोड़पति सेठ लोगों की शादियों में भी ऐसा स्टेज नहीं होता जो बाली पैलेस है। नक्कीच या स्पर्धेची ती खासियत पाहायला मिळते, यावर्षी आणखी भव्यता ती पाहायला मिळते, त्यामुळे
आल्या जर पाहिलं तर तारीफ सईद यांच्याशी आमची तीच वार्तालाप झाली आणि खूप मोठी भव्य दिव्यता या स्पर्धेमध्ये त्याचसाठी पाहायला मिळते. मोठा सोहळा असतो, जास्त दिवस चालणारा सोहळा असतो आणि आयोजनातील भव्य दिव्यता पाहायला मिळते. आणि त्याचबरोबरीने इकडलं नेहमीच एक आकर्षण ते म्हणजे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. अक्षरशः त्या खेळाडूला इकडे जेवढे मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार मिळत असतील, जेवढ्या वस्तू मिळत असतील, मला वाटत नाही अख्ख्या भारतात कुठे मिळत असतील. पहिला चेंडू जर पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उसळी देणारा पंकज पाटील, पंकज पालन ज्यांना आपण म्हणतो गोलंदाजीसाठी आले. ते एक धाव घेतली, ओर थ्रो झाला, दुसरीही धाव घेतली. आता विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण होऊ लागलेले सर पहा. चार धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी आहे. पंकज देखील एक वेगवान गोलंदाज आहेत आणि पहिला चेंडू प्रभावित केलं होतं राहुल जोगाडे यांना, परंतु त्यावर देखील दोन धावा घेण्यात यशस्वी झाले कारण ओर थ्रो देखील झाला. यावेळेला देखील पहा संयमाने खेळताना पाहायला मिळत आहेत. विजय दृष्टी शेपात आहे त्यामुळे कुठेही घाई केली जात नाही आहे आणि एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे येते. सर, तुम्ही या स्पर्धेशी कित्येक वर्ष जोडले गेलात, काय म्हणाल ज्या पद्धतीने आयोजन आपण पाहतो? नाही, डेफिनेटली देखील फर्स्ट टाइम बाली ट्रॉफी लीग फॉर्मॅट में हो रही है और इस वक्त जो ट्रेंड चला है उसके मुताबिक दिस इज द राइट थिंग. और यहाँ हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं सन्मान्य रूपेश जी जाधव फ्रॉम डोहळे. आपला ग्रामीण क्रिकेटचे तृतीय पारितोषिकचे ते पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या जोडीला शुद्धोदन जाधव साहेब, त्याचप्रमाणे योगेश पाटीलजी आणि दिनेश. आणखीन एक चांगला चेंडू, परंतु त्यावर देखील हळूवार पद्धतीने बॉलला केवळ ढकललं, एक धाव त्या ठिकाणी घेतली. रुपेश दादांचं आगमन जरूर होत आहे, त्यांचंही स्वागत असेल. आणि मॅच देखील जर पाहिली तर अगदी आता विजयाच्या उंबरठ्यावर टीम आली आहे. एका धावेची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी आहे. बादशाह इलेव्हन चिता कॅम्प ट्रॉम्बे एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. भारतातील एक नामवंत क्रीडा स्पर्धा म्हणून बाली ट्रॉफीचं नाव घेतलं जातं आणि यावर्षी दरवर्षीपेक्षा एक भव्य असं स्पर्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि त्याचमुळे यावर्षी लीग हाफ देखील आपण पाहतोय. आणि त्याच पद्धतीने यावेळेला दिनू कांबळेच्या बॅटमधून फटका येताना पाहायला मिळतोय, विजयाची मोहर लगावताना पाहायला मिळत आहे. दिनू कांबळे बादशाह इलेव्हन चिता कॅम्प ट्रॉम्बे मुंबई होत आहेत विजयी. अभिनंदन. तर जशी ही मॅच यानंतरची महत्त्वपूर्ण मॅच सुरू होईल, ज्या मॅचवर देखील सर्वांच्या वरळी SPB उमेश इलेव्हन आणि त्याचबरोबर धनेश इलेव्हन डिंग डॉंग या महत्त्वपूर्ण मॅचकडे आपण जाणार आहोत. आणि त्या अगोदर आम्ही नक्कीच अरिश सर आणि रेश्माजी यांच्याकडे देखील जाऊ. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्या ठिकाणी दिला जाईल. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. मित्रांनो, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष, समाजसेवक आणि डोळे गावचे रत्न सन्माननीय रुपेश जाधव साहेब ज्यांनी आपल्या बाली ट्रॉफीसाठी ग्रामीणमध्ये तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे, असे सन्माननीय रुपेश जाधव साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपल्या जोडीला उपस्थित झालेले दिनेशजी पाटील, योगेशजी मगर, शुद्धोदनजी जाधव आणि इतर सर्व पाहुणे मंडळी आपलंसुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम, सगळ्यांचं स्वागत आहे. अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स.
चला आपण वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे, पण त्या आधी आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना आपल्याला धन्यवाद करायचा आहे, कारण ते आहेत म्हणून आज आपण ही मॅचेस बघतोय, बाली ट्रॉफी 2022 बघतोय. तर चला सगळ्यात आधी आपण धन्यवाद करू इच्छितो डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड सूट शेरवानी अँड कुर्ता, जे आमचे मॅजिक बॉक्सचे स्पॉन्सर्ड आहेत. मॅन ऑफ द मॅचचे ट्रॉफीज ॲक्रिलिकचे जे ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेले आहेत, ॲक्रिलिक आर्ट 2 चे आतिक पल्लन यांनी त्यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. ड्रेस जे कलरफुल अमेझिंग कम्फर्टेबल ड्रेसेस तुम्ही पाहत आहात, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क मिस्टर दयानंद चोरगे, मिस्टर वीरेन चोरगे अँड मिस्टर विराज चोरगे, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. एस के स्पोर्ट्स महापोली प्रोप्रायटर आहेत शादाब कोटकर, कॅप ज्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत थँक्यू सो मच. त्यानंतर रुपल निमेश कुमार शहा मॅम थँक्यू सो मच, ज्यांनी आम्हाला बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे. कॅच ऑफ दी मॅचसाठी मऊ पिलोज ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहेत. गोरी फॉर्म सेंटर्सचे प्रोप्रायटर आहेत मेहबूब गोरी थँक्यू सो मच. कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिलदादा पाटील समाज कार्यात नेहमीच तत्पर असतात आणि त्यांची साथ आम्हाला लाभणं खूप मोठी गोष्ट आहे, थँक्यू सो मच त्यांचं सुद्धा. ओ टू लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, जलदान म्हणजे सगळ्यात श्रेष्ठ दान आणि हे दान 42 डिग्री सेल्सिअसमध्ये जे करतायत ते म्हणजे शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. A1 चिकन सेंटर आतिक भाई, घरामध्ये चिकन लॉलीपॉप बनो या चिकन बिर्याणी, चिकन लाजवाब या बनो चिकन कोल्हापुरी, भिवंडीमध्ये चिकन येत असेल तर ते फक्त A1 चिकन सेंटरमधून. त्यानंतर वी वुड लाईक टू थँक ॲडवाईस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट. भारताच्या बाहेर जर तुम्हाला शिक्षण घ्यायचं आहे किंवा काम करायचं आहे तर आत्ताच प्रोप्रायटर ताबीर जयरोमी यांना कॉन्टॅक्ट करा, त्यांनी आम्हाला फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर केलेलं आहे. रॉयल मोटार्स जनाब अफजल सय्यद थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. इरफान हदीज अन्सारी प्रभाग कमिटी 4 चे जे चेअरमन आहेत थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. रोलेक्स मेडिकेअर मिस्टर फहद दलवी अँड मनसब मुल्ला टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर केलेला आहे. तसंच रियल स्टील ट्रेडर्सचे प्रोप्रायटर आहेत वसीम अन्सारी, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप त्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. द होल पायनियर स्पोर्ट्स थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर सलमान भोजे थँक्यू सो मच. अमितुजमा अन्सारी थर्ड प्राईज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर्ड थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. सध्या ते व्यासपीठावरती आपण त्यांना पाहू शकतो. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स गुलाम साबीरजी थँक्यू सो मच. प्रोप्रायटर आहेत आरिफ मोमिन थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. नवाब स्पोर्ट्स नूरलेन शेख थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. चोचा सखाडा थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. ऑल्सो वी वुड लाईक टू थँक शेरू कॅटरर्स फॉर देअर अमेझिंग टेस्टी फूड. धन्यवाद रेशमा, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 टेनिस क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रोकड़ा रास्ता, रोकड़ा कमाने का रास्ता बताने वाले मांगीलाल जी पालीवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज शुरू हुई है उसका पहला प्राइज़ आपने स्पॉन्सर किया है. हम आभारी है AA भारत गैस टॉस बॉक्स असफर बुलिंसकर साहब और भिवंडी के माजी महापौर जावेद अलवी साहब, आपका शुक्रिया. स्मार्ट एंटरप्राइजेस, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. रूपेश जी जाधव हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है. तो रूपेश जी आपला खूब खूब धन्यवाद. जुनेद पटेल मक्की पटेल सिटी क्रिकेट का, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल साहिबा मोमिन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने फैमिली के टूर को प्लान कीजिए साहिबा मोमिन के साथ. हम आभारी है ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे जी यानी कि बाड़िया मामा, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है. एकत सम्राट ग्रामीण सम्राट बाल्या मामा. आर के फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स, हम आभारी है रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, जिन्होंने मैन ऑफ द डे के लिए एक कस्टमाइज्ड बाली ट्रॉफी का एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किया है. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आइसक्रीम और जूसेस के फ्लेवर अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं हमारे आइसक्रीम पार्लर में आइए. अब्दुल रहमान जयरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. फुल टॉस बॉल, इस टूर्नामेंट में फुल टॉस की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है. अली असगर भाई, देखिए हमारे अंपायर्स को टी शर्ट दिए जा रहे हैं और फुल टॉस के क्रिकेट बैट है, फुल टॉस के वेरेंट गेयर है, स्टंप्स है, कई सारी वेराइटी आपके सामने फुल टॉस लेकर आ रहे हैं. हम आभारी है पांडुरंग धर्मा पाटिल धनेश इलेवन कुक से, जिन्होंने हमारे कॉमेंट्री बॉक्स को स्पॉन्सर किया है. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपका विशेष आभार. विवेक पाटिल एंड सुजीत पाटिल खांडवड़,
ग्रामीण क्रिकेटचा द्वितीय पारितोषिक पुरस्कृत केलंय. रुपेशजी जाधव डोहळे ज्यांनी आपला ग्रामीण क्रिकेटचा तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलंय. त्याचबरोबर अज्जू पटेल अर्जोली ग्रामीण क्रिकेट चतुर्थ पारितोषिक. सूरत थोरात बेस्ट बॅट्समॅन 40+ वॉशिंग मशीन प्लेयर्स डगआउट चे स्पॉन्सर आहेत सन्माननीय इरफान भुरे साहेब मापोली. प्लेयर्स डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत फरहान पटेल साहेब मापोली. विशेष आभार लायन ऑफ टेमगर सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी. विशेष आभार अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांनी सामनावीरसाठी फ्रूट बास्केट को स्पॉन्सर केलं आहे. त्याचप्रमाणे निदा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अक्रम बांबूवाला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधले प्रत्येक ट्रीटमेंट आणि चांगले डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत. अगर आपका मोबाईल है तो मोबाईल कोई भी हो कवर तो युनिक काही लगेगा युनिक कवर केस तब्रेज शेख. रॉयल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल डॉक्टर जनाब इमरान हदीस अंसारी बहुत ही पुरखुलस अंदाज में वो लोगों को मिलते हैं सुनते हैं और उनकी बीमारियों का इलाज कराते हैं. एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक ही ठिकाना रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. अगर दोस्तों आप घर का खाना खाने से थक गए हैं और बाहर कहीं जाना है मोहम्मद अली के दिल्ली दरबार ढाबा में जाइए. मोहम्मद अली और उनके पार्टनर जुबैर मेमन इनका बहुत बहुत शुक्रिया. शामियाना ढाबा के ठीक बाजू में जाइए और अपने खाने का लुत्फ उठाइए. स्पेशल थैंक्स करसन फुलोरे टेमघर. स्पेशल थैंक्स सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेजेंटेशन सेरेमनी एंड नाउ विल कॉल आवर डिग्निटरीज. आइए मैं बुलाना चाहूंगा जनाब ताबीर जयरूमी हमारे एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन के ओनर ओवरसीज रिक्रूटमेंट और ओवरसीज एजुकेशन का एक ही बड़ा नाम ताबीर जयरूमी जिन्होंने हमारे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया है. अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के रजी कुवारी अहमद भाई जनाब फैजल अंसारी आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के ग्यासुद्दीन शेख सन्मान्य योगेश जी मगर सन्मान्य सुधोदन जी जाधव सन्मान्य रुपेश जी जाधव ज्यांनी आपला ग्रामीण क्रिकेटचा तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलंय आणि त्याचप्रमाणे हमीदू जमा अन्सारी साहेब ज्यांनी सिटी क्रिकेटमधलं तृतीय पारितोषिक स्पॉन्सर केलंय. सगळ्या मान्यवरांना विनंती असेल की आमच्या सोबत प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये जॉईन व्हायचंय. आपल्या शुभ हस्ते आपण आता हे सारे गिफ्ट्स देणार आहोत. सुस्वागतम.